सिगरेट विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर ज्यादा आपदा आकस्मिकता शुल्क एनसीसीडी को 3 वर्ष पूर्व संशोधित किया गया था। इसमें लगभग 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। आई नाउ कम टू माई डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स ऑन प्रत्यक्ष कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर आती हूँ। इन प्रस्तावों का उद्देश्य कर संरचना की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना, अनुपालना भार को कम करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का और सरलीकरण और उन्हें युक्तिसंगत बनाना, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना है। आयकर विभाग अनुपालना को और आसान और निर्बाध बनाने के लिए करदाता सेवाओं में सुधार करने का सतत प्रयास करता है। हमारे करदाता पोर्टल को एक दिन में अधिकतम 72 लाख रिटर्न प्राप्त हुए हैं और इस पोर्टल ने इस वर्ष 6.5 करोड़ रिटर्न संसाधित किए हैं। औसत संसाधन अवधि को वित्तीय वर्ष 13-14 में 93 दिवस से घटाकर अब 16 दिवस कर दिया गया है और 45% रिटर्न 24 घंटे के अंदर संसाधित कर दिए गए थे। हम इसमें और सुधार करने का इरादा रखते हैं और करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के सामान्य आईटी रिटर्न फॉर्म लाने और साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को और सुदृढ़ करने की योजना बना रहे हैं। एमएसएमई और पेशेवर। एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की समृद्धि के इंजन है। 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले सूक्ष्म उद्यम और 50 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले कुछ पेशेवर प्रकल्पित कराधान का लाभ उठा सकते हैं। मैं इन सीमाओं को उन करदाताओं के लिए क्रमशः 3 करोड़ रुपए और 75 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं, जिनकी नकदी प्राप्तियां 5% से अधिक नहीं है, जिनकी नकदी प्राप्तियां 5% से अधिक नहीं है। इसके अलावा एमएसएमई को समय पर भुगतान की प्राप्ति में सहायता करने के लिए मैं उन पर व्यय खर्चों के लिए कटौती को भी अनुमत करने का प्रस्ताव करती हूं, जब उनका भुगतान वास्तविक रूप से कर दिया गया हो। सहकारिता। सहकारिता एक सराहनीय अवधारणा है। हमारे प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को साकार करने के लिए और सहकार की भावना को अमृतकाल की भावना से जोड़ने के उनके संकल्प की सिद्धि हेतु भाग क में प्रस्तावित उपायों के अतिरिक्त सहकारिता क्षेत्र के लिए मेरे पास कई प्रस्ताव हैं। प्रथमतः दिनांक 31/3/2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नए सहकारी समितियों को 15% की कम कॉरपोरेट दर कर का लाभ मिलेगा, जैसा कि नई विनिर्माण कंपनियों को वर्तमान में मिलता है। द्वितीयतः मैं चीनी सहकारी समितियों को निर्धारण वर्ष 2016-17 की अवधि से पहले गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों का व्यय के रूप में दावा करने के लिए एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं। इस प्रस्ताव से संभावित राहत 10,000 करोड़ रुपए की होगी। तृतीयतः मैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को नकद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपए प्रति सदस्य की उच्चतर सीमा प्रदान करती हूँ। इसे दोहराती हूँ। तृतीयतः मैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को नकद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपए प्रति सदस्य की उच्चतर सीमा प्रदान करती हूँ। इसी प्रकार से सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए नकदी आहरण पर 3 करोड़ रुपए की उच्चतर सीमा प्रदान की जा रही है। स्टार्टअप। देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता बहुत महत्वपूर्ण है। हमने स्टार्टअप के लिए अनेक उपाय किए हैं और उनके परिणाम भी निकले हैं। भारत वर्तमान में वैश्विक रूप में स्टार्टअप के लिए तीसरी सबसे बड़ी इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में इसका दूसरा स्थान है। मैं स्टार्टअप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने हेतु निगमन की तारीख 31/3/2023 से बढ़ाकर 31/3/2024 तक करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अलावा मैं स्टार्टअप की शेयरधारिता में परिवर्तन कर हानियों के
अग्रणयन के लाभ को निगमन के 7 वर्ष से 10 वर्ष तक प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। आयुक्त स्तर पर अपीलों के लंबन को कम करने के लिए मैं छोटी अपीलों को निपटाने के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों की तैनाती का प्रस्ताव करती हूँ। हम इस वर्ष पहले से प्राप्त विवरणियों के जांच के लिए चुनने हेतु और अधिक सिलेक्टिव रहेंगे। कर रियायतों को बेहतर लक्षित करना। कर रियायतों और छूटों को बेहतर लक्षित करने के लिए मैं धारा 54 और 54 च के तहत आवासीय गृह में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करती हूं। इसी उद्देश्य से दूसरा प्रस्ताव अत्यधिक मूल्य वाली बीमा पॉलिसियों की आय की आयकर छूट को सीमित करना है।